हमारे बिहार के एक मंत्री हैं, सब लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ना उनको क्षेत्रफल का अंदाजा है पाकिस्तान का, ना उनको कॉम्प्लिकेशन पता है कि पाकिस्तान कैसे भेजोगे अरबों लोगों को। मुझे तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट असमा जहांगीर जी को आप जानते होंगे, मैं उनके स्मृति में एक भाषण के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे मना कर दिया गया। तो पता नहीं वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे, आपका इलाका खाली हो जाएगा। अब वो सीमांचल गए, सीमांचल में पलायन हो रहा है, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा कि ये गलत बात है, कोई पलायन नहीं हो रहा। लेकिन आपको वह कैराना मॉडल ढूंढना था सीमांचल में, तो जब तक पूरा का पूरा न, अब मैं आपको छोटी बानगी देके खत्म करूंगा। एक मोहतरमा है, वो कहती है चाकू तेज रखना, पता नहीं कब जरूरत हो जाए। ये है सर, और इनको मन से माफी नहीं मिली थी एक बार। दूसरे हैं, इफ यू वॉन्ट रिमेन साइलेंट इफ समबडी ट्राइज टू किल आवर मदर, ये गाय के बारे में है। सुना 14 तारीख को काउ हग डे है, मैं भी कोशिश करूंगा सर, हालांकि हमको मरखानी गाय मिल जाती है अक्सर जिंदगी में, भाग्य की बात है। तेरा नाम क्या है, मैं कुछ चुनिंदा उदाहरण दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण लोग है। तेरा नाम क्या है, मोहम्मद नाम है तेरा, आधार कार्ड दिखा। हिंदूज हु डोंट वोट फॉर मी हैव मिया ब्लड इन देयर वेंस, महत्वपूर्ण व्यक्ति है मंत्री के पद के लगभग। ना अली ना बाहुबली केवल बजरंग बली, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाने चाहिए, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अपने आप को नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बरक्स। और इकोनॉमिक बायकॉट की अक्सर बात होती है, जालीदार टोपी की बात होती है। दिक्कत ये हो गई है सर कि कश्मीर, रोहिंग्या और फलस्तीन जैसे भी मुद्दे को आप मुस्लिम एंगल से देखते हैं, नहीं सर ह्यूमन राइट एंगल से देखिए, उसमें भी समाधान के लक्षण है। यहां तो घर तक लोगों को नहीं मिलते, ये परिस्थितियां हैं उनको जान। आखिरी में बस एक मिनट लूंगा, आखिरी मैं प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग, आपको मौका मिलेगा बोलने का, इज्जत तो आप बोले। आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि इन मुद्दों को भी मुस्लिम एंगल से मत देखो, बस प्लीज आपस से बात ही नहीं। प्रोफेसर जी आप बोले कंक्लूड कर प्लीज। नहीं वो आदत नहीं है, डोंट लिसन टू देम। मैं तो इसी चीज की पैरवी हमेशा करता हूँ, यू लिसन टू अस, आई विल लिसन टू यू। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मोर ऑफ लिसनिंग देन स्पीकिंग। ये सबसे अपेक्षा है इस सदन में जी सर, सबसे अपेक्षा है कि डेमोक्रेसी जैसा आपने कहा सुनने और धैर्य से जानने का, सुनने पर हर पक्ष से की चीज सर ने सुनाने की हर पक्ष से। सर आखिरी मैं राही मसूम रजा बहुत बड़े लेखक हुए, आधा गांव लिखा, लेकिन एक व्यापक समाज में उनकी प्रसिद्धि हुई कि राही मसूम रजा ने महाभारत का की स्क्रिप्ट लिखी थी जो बहुत फेमस सीरियल हुआ था। मैं उनकी एक छोटी कविता पढ़ना चाहता हूं सर आपकी इजाजत से। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयाने जाग रही हैं, और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरे रग रग में माँ गंगा का पानी दौड़ रहा, मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव पर फेंको और उस योगी से कह दो महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो, ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गया लहू बनकर।